अम्बाला नगर निगम के करोड़ों के कूड़ा घोटाले को अनिल विज ने उठाया। मामला उजागर हुआ, जांच बैठी। उस मामले की जांच रिपोर्ट अभी आई भी नहीं कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने का ठेका लेने वाले ठेकेदार के और नए कारनामे सामने आने लगे हैं। रविवार को अम्बाला के कूड़ा कलेक्शन वाले कर्मचारी मंत्री अनिल विज के पास पहुंचे और उनसे गुहार लगाई कि ठेकेदार ने उन्हें बीते 2 माह से तनख्वाह नहीं दी है। इससे पहले भी ठेकेदार उनकी 3 महीने की तनख्वाह लेकर भाग चुका है। कर्मियों का कहना है कि ये लोग स्वच्छता के हर मिशन में काम करते हैं, लेकिन अगर इन्हें ही तनख्वाह नहीं मिली तो ये आखिर काम कैसे करें। हम सब डोर टू डोर वर्कर हैं जो सभी घरों से एक एक करके कूड़ा लेते हैं, और हमारा जो जितना भी काम है उसके हमारे से ठेकेदार के थ्रू अभी तक सैलरी का कोई भी हल नहीं निकल रहा। पिछले 2 महीने हो गए हैं और इससे पहले भी 3 महीने की सैलरी लेके कॉन्ट्रैक्टर भाग चुका है। तो इसके लिए हम अनिल भी सर पे आए थे कि हमारा भी सैलरी का कुछ किया जाए, कि काम तो सारा लेबर ही करती है सर, जिसमें डोर टू डोर हो, सेग्रीगेशन हो, स्वच्छता अभियान में भी सबसे आगे बढ़ चढ़ कर लेबर ही रहेगी सर। अगर ये लोग काम करेंगे इनको सैलरी मिलेगी तभी सारे काम होंगे सर। ठेकेदार की मनमानी के आगे बेबस इन लोगों ने जो बताया वो वास्तव में विज के इस बात पर मुहर लगाता है कि ठेकेदार बदमाश है। वो किसी की भी नहीं सुनता और उसके सर पर किसी का हाथ है, क्योंकि ये दबंग ठेकेदार उन्हें डीसी रेट के पैसे नहीं देता, उनसे मेडिकल और ईपीएफ जैसी सुविधाएं देने के नाम पर पैसे काटता है और बदले में इन्हें कुछ भी नहीं देता। ये लोग निगम के कमिश्नर सहित सभी आला अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इनकी सुनता कोई नहीं। ऐसे में सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार ये बताए कि इस मामले में विकास ठेकेदार का हो रहा है या इन गरीब कर्मचारियों का, जिन्हें 44 डिग्री तापमान में काम करके भी तनख्वाह नहीं मिलती। निगम कमिश्नर सर को भी बोल रहा था जो पहले थे, और जॉइंट कमिश्नर सर को भी बोल रखा है, तो वो यही बोलते कि इनकी वेरिफिकेशन हो रहा है, अभी कुछ चल रहा है, आपका हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इनका हमने ईपीएफ ईएसआई कार्ड के लिए भी कमिश्नर सर से भी बात की, बट उन्होंने अभी तक कोई भी क्लियर जवाब नहीं दिया सर, क्या है कोई कुछ भी क्लियर जवाब नहीं है सर। पैसे कटते हैं जबकि पैसे हर महीने कटते हैं सर, 1100 रुपये ईपीएफ के और 350 रुपये ईएसआई के बताया जाता है कि हमारी सैलरी में से कट रहा है। डीसी रेट आप कहते हो कि 13,000 है, बट इनको 8,000 बोल के उसमें से ईपीएफ भी काटा जा रहा है जी, 7,000 सैलरी देते हैं इनको, और वो भी सर 2-2, 3-3 महीने हो गया जो नहीं आ रही अभी तक। इस मामले में मंत्री अनिल विज के सामने निगम कर्मियों ने जो आरोप लगाए उन आरोपों को सच माना जाए तो यह काफी गंभीर मामला है, और विज भी इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री को इस मामले में विजिलेंस जांच करवानी चाहिए ताकि कूड़ा कलेक्शन के ठेकेदार की करतूतों का पर्दाफाश हो सके। नहीं, इस ठेकेदार ने पूरी बदमाशी फैला रखी है, किसी कानून को नहीं मानता, किसी अधिकारी की बात को नहीं मानता, पता नहीं किसका इसके सिर पर हाथ है, और इसकी मैंने पहले ही शिकायत की हुई है मुख्यमंत्री जी को, उसकी जांच भी हो रही है और सुना है कि जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक जा चुकी है। अब कर्मचारियों का ईपीएफ ना काटना ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि जरूर इसकी कार्रवाई की जाए। ईपीएफ काट के पे इनके कार्ड तक नहीं बनाए गए, मेडिकल काटा जाता है, कोई सुविधा नहीं है और डीसी रेट भी नहीं दिया जा रहा। नहीं नहीं बिल्कुल धांधली हो रही है और इसके खिलाफ मैं पूरी कार्रवाई कर रहा हूँ। मजे की बात यह है कि दाएं बगाएं विपक्ष कई मुद्दों को लंबे लंबे प्रेस नोट और बयान जारी करता रहता है, लेकिन अम्बाला में हुए करोड़ों के इस घोटाले में विपक्ष चुप कर अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। कृष्णवाणी टोटल न्यूज अम्बाला।